लिखें, चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक है। लिखें ट्रिक नंबर वन, यदि मूलधन पी कामा ब्याज की दर आर तथा समय टी वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर दिया हो तो मूलधन पी बराबर दोनों ब्याजों का अंतर गुणे छोटे कोष्टक में 100/r का होल वर्ग इंटू छोटे कोष्टक में 100/r प्लस 300 इस पर आधारित प्रश्न लिखिए। किसी धन के तीन वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर इकतीस रुपया है तो ब्याज एक मिनट 31 रुपया है तथा ब्याज के वार्षिक दर 10% हो तो मूलधन बताइए। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको इस ट्रिक का प्रयोग करना होगा। दोनों ब्याजों का अंतर 31 है गुणे 100, दर आपका 10% दिया हुआ है, 100/10 का होल वर्ग गुणे छोटे कोष्टक में 100/10 प्लस 300, 31 गुणे 0 कट जाएगा, 10 का वर्ग कर देंगे 100 हो जाएगा, गुणे 100 बटा इसको जोड़ देंगे 310, 0 कट गया, 31 से 31 कट गया, इसका गुणा कर देंगे 1000 रुपए। दूसरा प्रश्न लिखें,
प्रश्न नंबर दो, इसी ट्रिक पर प्रश्न नंबर दो भी लगेगा। एक धनराशि के तीन वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज उसके तीन वर्ष के साधारण ब्याज से ₹155 अधिक है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो वह धनराशि बताइए। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको यह ट्रिक प्रयोग में लाना होगा। मूलधन P बराबर दोनों ब्याजों का अंतर गुणे 100/R का होल वर्ग इंटू छोटे कोष्टक में 100/R+300। दोनों ब्याजों का अंतर 155 गुणे 100/10 का होल वर्ग गुणे 100/10^300। 155 गुणे 0 कट जाएगा, 10 का वर्ग कर देंगे 100 हो जाएगा, गुणे 100/310, ये 0 से 0 कट गया, 31 + 155, इन सब का गुणा कर देंगे 5000 रुपये।